धर्मपुर पंचायत समिति हॉल में आपदा प्रबंधन कमेटियों की टास्क फोर्स ऑफ यूथ वॉलंटियर को प्राकृतिक आपदा से निपटने के गुर प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए। इस टास्क फोर्स को बताया गया कि कैसे प्राकृतिक आपदा आने पर आप अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। इसमें 4 पंचायतों की आपदा प्रबंधन कमेटियों के स्वयंसेवियों ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन पंचायत समिति अध्यक्ष विनोद कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप जगह जगह पर होने चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। समापन के दिन मेहर चंद कंपनी कमांडर HHG सरकाघाट, लखवीर सिंह सेवानिवृत्त फायर ऑफिसर सरकाघाट व हेमराज लीडिंग फायरमैन सरकाघाट ने उपस्थित स्वयंसेवियों को प्रैक्टिकली आग से होने वाले नुकसान, बाढ़ से होने वाले नुकसान व किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यशाला में धर्मपुर, कोट, सरसकान व संधोल की पंचायतों से आए टास्क फोर्स के करीब 50 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में तहसील कानूनगो देशराज कटवाल, वरिष्ठ सहायक सुनील ठाकुर विशेष रूप से कैंप को सही तरह से संचालित करने के लिए मौजूद रहे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।